बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं एक बड़ी ही ज़बरदस्त टूल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, हाउ टू कंप्रेस अ जेपीजी पिक्चर। वो तमाम तलबा व तलबात जो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के अंडर ज़ेर तालीम हैं, तो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, या इवन आप अगर किसी जॉब के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपने अपनी पिक्चर ज़रूर अपलोड करनी होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल हजरात को एक एक चीज़ का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आपने अपनी जो पिक्चर है उसको आपने कंप्रेस करके लगाना है। तो उसके लिए पिक्चर को कंप्रेस करना पड़ता है, जो 20 KB से लेकर 40 KB तक होनी चाहिए कम अज़ कम। वो हर एक यूनिवर्सिटी और बोर्ड की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आज मैं आपके इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर वेबसाइट का लिंक शेयर करने जा रहा हूं, और उसकी छोटी सी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो आप अगर इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर इमेज कंप्रेस करने की फैसिलिटी दी हुई है। लेकिन मैं जो आज आपसे लिंक शेयर करूँगा, उसके ऊपर आप जाके बहुत ही ईजिली अपनी वीडियो को कंप्रेस अपने सब सॉरी अपनी पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपने लिखना है जेपीजी ऑप्टिमाइज। जैसे ही आप जेपीजी ऑप्टिमाइज लिखेंगे, तो सबसे पहला लिंक जो आपके पास ओपन होगा, आपने इसको खोल लेना है। ठीक है, ये है, आपके पास वेबसाइट है jpg-optimizer.com। ठीक है जी, यहाँ पे जाके आपने चूज अ फाइल करना है। आपकी फाइल जहाँ पे मौजूद होगी, आपकी पिक्चर जहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये एक पिक्चर है 106 KB की, ये 106 KB की एक पिक्चर है जिसको यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया है। इसके नीचे ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग दी हुई है ना रेजोल्यूशन की, आप इनको ना छेड़ें, इनको यही रहने दें। अगर आप इनको थोड़ा सा छेड़ेंगे, चेंज करेंगे, तो फिर उससे पिक्चर क्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड सेटिंग्स को अगर आप यहाँ पे रखें, और अब आप क्लिक करें ऑप्टिमाइज फोटो पे। जैसे ही आप ऑप्टिमाइज फोटो पे क्लिक करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको बता देगा कि ये आपकी पिक्चर है और ये पूरी की पूरी पिक्चर ऑप्टिमाइज हो गई है, और 106 KB की पिक्चर ऑप्टिमाइज होने के बाद, कंप्रेस होने के बाद 14.3 KB की बन गई है। तो अब आपने इसको सेव कैसे करना है, पिक्चर के ऊपर आप एरो रख के राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे एक आता है जी सेव इमेज एज। तो सेव इमेज एज के ऊपर क्लिक करके आप अपनी इस फोटो को जहाँ पे भी आपने सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, किसी भी जगह पे करना है, आप इसको सेव करें, तो ये आपकी जो फोटो है सेव हो जाएगी। तो डियर व्यूअर्स, इस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस तरीक़ाकार से और इस वेबसाइट को यूज़ करके ऑनलाइन अपनी पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कंप्रेसर अवेलेबल हैं, जितनी भी वेबसाइट अवेलेबल हैं, उनमें ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है, जिस पे इंतहाई ईजिली आप अपने इमेज को कंप्रेस करके बहुत ही छोटा 13-14 KB तक की फाइल बना सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखती रहिए। अस्सलाम वालेकुम।